अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद, कॉर्पोरेट ट्रेनर, करियर एंड ब्रांडिंग कोच। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। मुझसे मेरे सेशंस में और मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अक्सर बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, वो ये है कि सर हम लोग कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाते। हम लोग कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते, उसका जो रिजल्ट हम चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता, और उसकी वजह जो हमें लगती है वो ये है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते और आप कंसिस्टेंट किस तरह से बन सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं कि कंसिस्टेंट लोग क्यों नहीं हो पाते। जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि लोग फोकस नहीं होते। लोगों ने एक ही वक्त में मल्टीपल गोल सेट किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है तो उसने सेट किया होता है कि जनाब मुझे आज के दिन में मुझे अपने केमिस्ट्री के इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, मुझे बायो के इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, मुझे मैथ के इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, मुझे अपने फलाने दोस्त के साथ फलानी जगह पे इस काम के लिए भी जाना है, मुझे अपने घर का फलाना काम भी करना है, मुझे वो फलानी वीडियो गेम भी खेलनी है, मुझे वो फलानी मूवी भी देखनी है। ये सारे क्या हैं? ये गोल्स हैं। किसी भी इंसान ने जब इस तरह मल्टीपल गोल्स एक ही टाइम में सेट किए होते हैं तो होता क्या है कि जब भी वो इंसान अपने उस काम को करने लगता है तो ये सारे गोल्स एकदम से बेल बजाना शुरू कर देते हैं दिमाग में। पहले मुझे कर लो, पहले मुझे कर लो, पहले ये वाला कर लो, पहले ये वाला कर लो, इससे तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। उससे होता क्या है कि बंदा बस सोचता ही रहता है, यार पहले इसको कर लूँ या इसको कर लूँ, इसको करूँ या इसको करूँ। रिजल्ट क्या निकलता है कि बंदा कुछ भी नहीं करता, या किसी ऐसे गोल को करने में लग जाता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसको कि बाद में भी किया जा सकता है। सो जनाब, जब भी आप गोल सेट करते हैं तो बिला वजह गोल्स मत सेट किया करें। कोशिश ये किया करें कि वो गोल सेट करें जो वाकई आपके लिए ज़रूरी हैं, जो वाकई आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो वक्त के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से आपको ज़रूर करना चाहिए, सिर्फ वो वाले गोल सेट किया करें। दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम लोग कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पाते वो ये है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में गोल्स को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज नहीं किया होता। मतलब हम लोग गोल्स तो सेट कर लेते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट गोल्स ही सेट कर लिए, हम उन इंपॉर्टेंट गोल्स में से भी प्रायोरिटाइज नहीं करते कि यार मुझे पहले कौन सा काम करना है। हम सुबह का वो वक्त जिसमें हम बहुत डीपली, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सोच सकते हैं, हम बाज़ूकात क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ प्लान कर लेते हैं कि यार सुबह सुबह चलेंगे क्रिकेट खेलने। क्या होता है, उस टाइम को इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती। दूसरी तरफ देखें कि आप इतने अच्छे टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें आप कंसंट्रेट करके अपने डिफरेंट एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, आप अपने डिफरेंट इसी तरह के सोचने वाले, मेमोराइज करने वाले काम कर सकते हैं। सो हमने क्या नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया। हम पढ़ने के टाइम पे, सही तरह सोचने वाले टाइम पे हम खेलने चले गए। खेलना क्या है, खेल आप शाम को भी सकते हो जब सूरज ढल रहा है। तब तक क्या होता है कि आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर लिए होते हैं, तब इंजॉय करने का भी मजा आता है। सो इस तरह हम लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि वक्त के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होते, लेकिन चूंकि हमने कोई प्रायोरिटाइज किया ही नहीं होता काम, सो इस वजह से क्या होता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग कंसिस्टेंसी जो है वो हासिल नहीं कर पाते। वो काम जो हमें हर रोज़ ज़रूर करना है, हम उसको दूसरे कामों की वजह से छोड़ देते हैं। एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन छोड़ा, तीसरे दिन छोड़ा, चौथे दिन हम कहते हैं कि यार दफा ही करो, क्या करना है ये काम करके, इतने दिन तो हो गए इसको ना किए हुए। सो इसकी वजह से भी हमारा नुकसान होता है। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि जनाब हम अपनी रूटीन की लाइफ में बहुत सारे कंफर्ट जोन्स पाल के बैठे होते हैं। किस तरह के कंफर्ट जोन? हम लोगों ने अपने कामों को सोचा भी होता है, गोल सेट किए होते हैं, यार आज के दिन में ये सारे काम करने हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं, ओहो मुझे बड़े भाई ने ये काम कहा था कि यार आज तुम क्या करना, गाड़ी धुलवा के ले आना, तो मैं पहले वो काम ना कर लूँ। हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को करना चाह रहे होते हैं लेकिन उससे पहले कंफर्ट जोन वाले काम को करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम थोड़ा सा इजीनेस फील कर रहे होते हैं। हमें याद आता है कि जनाब मुझे तो अम्मी ने आज ये कहा था कि बाजार से फलाना सामान भी लेके आना है, हालांकि ये सामान जो है ये बाद में भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार पहले सामान ले आता हूँ फिर वो वाला काम करूंगा। हम सामान लेने चले जाते हैं, उस काम को फिर डेफर कर देते हैं। फिर याद आता है कि यार आज तो मैंने दोस्तों के साथ पिज्ज़ा पार्टी जो है वो प्लान की थी,
फौरन से उनको कॉल करते हैं, यार इंतज़ाम करो यार कोई पिज़्ज़ा पार्टी जो हम लोगों ने डिसाइड की थी, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। माइंड यही सोच रहा होता है कि यार वो जो इंपॉर्टेंट काम मैंने करना है ना, पिज़्ज़ा खाने के बाद कर लूँगा, हम फिर उस काम को डेफर कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे कम्फर्ट जोन्स हमने अपनी लाइफ में रूटीन के सारे कामों में पाले होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को हमेशा डेफर करते जाते हैं, और यहाँ तक डेफर करते हैं कि शाम का वक्त आ जाता है और तब हम उस काम को लेके बैठते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं, और देखते देखते कहते हैं यार ये स्टेप तो होगा ही नहीं, ऐसा करता हूँ इसको मैं कल करूँगा। हम फिर उस काम को कल पे डाल देते हैं, कल फिर क्या होता है, कल फिर उसी तरह रूटीन शुरू होती है, दिमाग फिर उसी तरह फंक्शन करना शुरू कर देता है, दिमाग फिर कंफर्ट जोन वाले कामों को प्रेफर करता है और वो जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसको डेफर करता चला जाता है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो काम हम नहीं कर पाते कई कई दिन तक, और फिर हमें शिकवा होता है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। चौथी रीज़न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, वो रीज़न है कि जनाब हम लोग अपने काम में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। हम क्या कहते हैं कि पहले ये वाला काम होगा तो फिर मेरे लिए ये फलाना काम जो है वो करना आसान हो जाएगा। मिसाल देता हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग सोचते रहते हैं कि यार मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे फलाने टॉपिक पे बात करनी है, मुझे फलाने इशू पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले वो ये सोचते रहते हैं कि यार उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मेरे पास बहुत अच्छा माइक होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, मेरे पास कोई बहुत अच्छा ट्राईपॉड होना चाहिए, कोई कैमरे के पीछे खड़ा करने के लिए बंदा भी मैं ट्रेन करवा दूँ, वो ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, वो परफेक्शन के सारे एलिमेंट पूरे करते रहते हैं और जो करने वाला काम होता है वो उसको डेफर करते चले जाते हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि यार पहले ये वाला काम कर लूँ, ये इम्पॉर्टेंट है इस वाले काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। सो इसी सारे चक्कर में क्या होता है, वो जो काम होता है वो आगे से आगे चलता जाता है और हम परफेक्शन के उस लेवल पे कभी भी पहुँच ही नहीं पाते। सो जनाब मेरी राय है कि परफेक्शन के चक्करों में मत पड़े, आप काम करें, आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन उसमें आती जाएगी। सो ये तो चार रीजंस थी जो मुझे अमूमन देखने में मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। ये चार मेजर रीजंस थी जो मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने नुकसान उठाते हुए देखा। अब हम बात करते हैं इसके वन पॉइंट एजेंडा हल की तरफ कि यार इसका हल आखिर क्या है। जनाब इसका हल बहुत आसान है, आप हमेशा कोशिश करें वक्त के साथ चलने की। इस बात से क्या मुराद है, कोशिश ये करें कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके, अपने गोल्स को सेट करके, जो भी आपके कंफर्ट जोन वाले काम हैं ज़रा उनको लिस्ट डाउन कर लें, जिन भी कामों की वजह से, जिन भी परफेक्शन वाले कामों की वजह से आप अपने मेन काम को छोड़ देते हैं ज़रा उनको भी लिस्ट डाउन कर लें और उनको अपने लिए ये बात सेट कर लें कि मुझे इनको इग्नोर करना है। और एक रूल अपनी लाइफ में रखें, वो क्या है कि एक फिक्स टाइम सेट कर लें कि यार इस टाइम पे मुझे हर हाल में हर रोज ये काम करना है और उस टाइम पे अपने उस काम को लेके बैठ जाएं। चाहे कोई आपके कंफर्ट जोन वाला काम हुआ है नहीं हुआ है, लीव इट। आपकी परफेक्शन की सेंस जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिली है नहीं मिली है, जस्ट लीव इट। कोई और आपका प्रायोरिटी वाला काम जो है वो रहता है, जस्ट लीव इट, कुछ दिनों के लिए छोड़ें इसको। आपने अपने जिस काम के लिए जौन सा वक्त फिक्स किया है उस फिक्स वक्त पे बैठ के उस काम को शुरू कर दें। आप यकीन करें कुछ दिन आप ये एक्टिविटी करेंगे और खुद ब खुद आपके सारे कामों में कंसिस्टेंसी आना शुरू हो जाएगी। शुरू शुरू के दिनों में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मत देखें कि यार फिक्स टाइम पे काम तो करने बैठ गया हूं लेकिन जितना इस काम को करना चाह रहा था उतना नहीं हुआ, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। शुरू शुरू के दिनों में इस बात को भी इग्नोर कर दें। आप सिर्फ फिक्स टाइम पे बैठें और उस काम को करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी आना शुरू हो जाएगी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगी जिसके रिजल्ट के तौर पर आप कंसिस्टेंट होते जाएंगे। तो जनाब ये थी कुछ टिप्स जो कि मैं आपको देना चाह रहा था कंसिस्टेंट होने से रिलेटेड। आप इनको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।